नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि न्यूज और मैं हूं आपके साथ अश्विनी। आइए रुक करते हैं आज की सबसे बड़ी कृषि खबर की ओर। भारत एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ एक बड़ा वर्ग खेती पर निर्भर है। इसके साथ ही आज के दौर में कई युवा अच्छे जॉब छोड़कर खेती किसानी में अपनी जीवन यापन कर रहे हैं। किसानों को आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की तरफ से कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा सरकार की तरफ से खेती किसानी के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है। इस तरह बिहार सरकार की तरफ से मशरूम की खेती पर 50% सब्सिडी दी जा रही है। मशरूम की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार किसानों को 50% सब्सिडी दे रही है। इस बात की जानकारी बिहार कृषि विभाग ने एक्स पर पोस्ट कर दी है। बिहार कृषि विभाग के एक्स पोस्ट पर कहा गया है कि मशरूम की खेती से कम जगह में अधिक मुनाफा कमाने का मौका, अब उत्पादन इकाई की लागत पर 50% अनुदान पाएं और अपनी कमाई बढ़ाएं। अगर कोई बिहार का किसान मशरूम की खेती के लिए सब्सिडी के लिए आवेदन करता है तो उसे सरकार की तरफ से मशरूम की खेती पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। जैसे कि अगर कोई किसान को मशरूम की खेती पर 20 लाख का खर्च आता है तो सरकार की तरफ से 50% अनुदान दिया जाएगा, जिसका मतलब है कि किसानों को सिर्फ 10 लाख रुपए खर्च करने होंगे। सरकार का मकसद किसानों को खेती को लेकर प्रोत्साहित और आर्थिक रूप से मदद करना है। मशरूम की खेती के लिए गेहूं या चावल के भूसे का खाद बनाकर तैयार करें। इस खाद को बनाने में करीब 1 महीने का समय लगता है। खाद तैयार होने के बाद आपको अपने कमरे में किसी सख्त जगह पर 6 से 8 इंच मोटी परत बिछाकर मशरूम के बीज लगाना है और उसे तैयार किए गए कंपोस्ट से ढक देना है। मशरूम की खेती खुले में नहीं होती और इसके लिए आपको शेड वाली जगह की जरूरत होगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए किसान राज्य सरकार की horticulture.bihar.gov.in वेबसाइट पर जाएं। होम पेज पर जाने के बाद योजना का विकल्प चुनें, यहाँ मशरूम की खेती योजना पर क्लिक करें। इसके बाद मशरूम पर सब्सिडी के लिए आवेदन करें। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा। इसके बाद मांगी गई सभी जानकारियों को ध्यानपूर्वक भर दें। इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के लिंक पर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा किसान अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के कृषि या बागवानी विभाग के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आप बिहार के किसान हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें। और हाँ, ऐसे ही कृषि के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहें कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।